आरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ, सीओओ और दूसरे अधिकारियों से की जा रही है पूछताछ। रिपब्लिक टीवी के सीईओ और सीओओ से मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की, जिसके बाद चैनल की तरफ से रविवार को कहा गया कि वो जर्नलिज्म करने की आजादी पर रोक लगाने के किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। एक अधिकारी ने बताया कि टेलीविजन रेंटिंग पॉइंट टीआरपी में हेरफेर के रैकेट के मामले में पूछताछ के लिए चैनल्स के दोनों सीनियर अधिकारी को संडे को मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए। पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी से 9 घंटे और रिपब्लिक टीवी के सीओओ हर्ष भंडारी से 5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की टीम के सीनियर मेंबर घनश्याम सिंह का भी बयान दर्ज किया है। रिपब्लिक टीवी के मुख्य अधिकारी शिव सुब्रमण्यम सुंदरम और सिंह इससे पहले पुलिस के सामने पेश होने से कहते हुए इनकार कर चुके कि रिपब्लिक चैनल ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह खुलासा किया था कि 3 चैनल्स पैसा देकर अपने लिए फर्जी टीआरपी जुटा रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने इस टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनल फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा का नाम लिया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने एक रैकेट का पता लगाया है जो फर्जी टीआरपी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि टीवी के एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के एस्टिमेट 30,000 से 40,000 करोड़ के बीच लगाया जाता है। एड के रेट चैनल की टीआरपी से तय होते हैं। टीआरपी के पॉइंट्स में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है तो उसका असर चैनल के रेवेन्यू में करोड़ों रुपए में पड़ता है। रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनल्स ने टीआरपी में हेरफेर करी है और लोगों को महाना तौर पर रिश्वत दी है कि वो उनके चैनल्स को देखें ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। इस टीआरपी घोटाले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 मराठी चैनल्स के मालिक शामिल हैं और रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों से पूछताछ जारी है। इसके अलावा हंसा रिसर्च ग्रुप के सीईओ प्रवीण निझारा और एक कर्मचारी से पुलिस ने पूछताछ की है। मामले की पुलिस जांच में पाया गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने 4 या 5 लोगों से अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली है। ये वो हैं जिनकी जांच की जा रही। पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा से जुड़े टीआरपी घोटाले का खुलासा करने के 3 दिन बाद ये बात सामने आई है। जांच के लिए इन चैनल्स के अधिकारियों को बुलाने के अलावा 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने तीनों चैनल्स के मामले में फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए एक स्पेशल टीम का बंदोबस्त भी किया है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने बार बार किसी भी गलत काम करने से इनकार किया और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर उनके चैनल्स को फंसाने का इल्जाम लगाया है और रिपब्लिक न्यूज चैनल के एंकर अर्णब गोस्वामी ने तो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर केस ठोकने की भी धमकी दी है। खबरों के बारे में अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।